दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट जिनसे कि आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने घर और खासतौर पर बेडरूम को। यानी कि अगर आप चाहते हैं अपने बेडरूम और घर को हाईटेक बनाना तो ये गैजेट्स आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी सीरीज के, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा। नंबर 10, बेडजेट। दोस्तों सर्दियों के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि आपके बेड में बिस्तर गर्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है और आप आराम से सो भी नहीं पाते। तो अगर आप चाहते हैं अपने बेडिंग्स को गर्म रखना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा एयर ब्लोअर होता है जो कि खास तौर पर बनाया गया है आपके बिस्तर की टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए। इसकी खास बात ये होती है कि ये दो सेक्शन में काम करता है, यानी कि बेडिंग्स की टेम्परेचर को आप अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसा भी आप चाहें। बस इसे आपको अपनी बेडिंग्स के बीचों बीच लगा देना होता है, जिसके बाद गर्म या ठंडा दोनों ही मोड पर आप इसे एक साथ भी चला सकते हैं। इसके कंट्रोल्स आपको इसके रिमोट में देखने को मिल जाते हैं और साथ ही आप इसे वॉइस असिस्टेंट के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो काफी मजेदार रहता है इस तरीके का गैजेट, जो कि सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कराने वाला है आपको। नंबर 9, स्मार्ट रिमोट बाय सेवन ह्यूक्स। दोस्तों घर में काफी सारी अप्लायंसेस होती हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके के बहुत सारे रिमोट होते हैं, और कभी कभी तो इसी कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि किस डिवाइस का रिमोट कौन सा है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता हो और आप चाहते हैं एक ऐसा रिमोट जो कि आपकी सभी तरीके की घर की डिवाइसेस को कंट्रोल करे, तो ये रिमोट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा रिमोट होता है जिसमें सारे कंट्रोल्स होते हैं, जिससे कि आप अपनी टीवी, होम थिएटर या फिर लाइट्स वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरीके से आप इसे मास्टर रिमोट की तरह यूज कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको ये लग रहा होगा कि आपको इसके मोड को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जिस भी डिवाइस के साथ आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको इसके मोड को भी उसी पर ले जाना होगा। लेकिन ऐसा इसमें कोई भी चक्कर नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा सेंसर लगा होता है जो कि डिवाइस को खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है। यानी कि जिस भी डिवाइस की तरफ पॉइंट करके आप इसकी बटन्स को यूज करेंगे, आपकी डिवाइस वही वाली कंट्रोल होगी जिसकी तरफ इसका मुंह रहता है। तो काफी ज्यादा एडवांस रहती है इस तरह की टेक्नोलॉजी, जो कि घर में काफी ज्यादा आसान बना देती है आपकी रिमोट कंट्रोल सिस्टम को। तो अगर आप भी अपने घर के लिए चाहते हैं एक ऐसा मास्टर रिमोट जो कि हर तरीके की डिवाइसेस के साथ काम करे, तो ये गैजेट आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा। नंबर 8, क्लॉकी अलार्म क्लॉक। दोस्तों अभी तक आपने काफी सारी अलार्म क्लॉक देखी होंगी, इस्तेमाल भी की होंगी और अलार्म बजते ही उन्हें फौरन बंद भी कर दिया होगा। यानी अलार्म क्लॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सुबह उठने के बाद हम उसे एक बार जरूर से बंद कर देते हैं ताकि 5 मिनट और सोने को मिल जाए। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता हो और आप अपनी इस आदत को बदलना चाहते हैं, तो ये अलार्म क्लॉक आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। दोस्तों ये एक तरीके की रोबोटिक अलार्म क्लॉक होती है जिसमें 2 व्हील्स लगे रहते हैं, यानी अलार्म बजने के बाद ये फौरन आपसे दूर भागना शुरू कर देगी। यानी कि अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो ये आपसे दूर भागती और आपको यकीनन बेड से उठने पर मजबूर कर देगी। इसमें कुछ ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं कि जैसे जैसे आप इसके पास जाएंगे तो वैसे वैसे ये आपसे दूर भागेगी, और जब तक आप इसे पकड़ नहीं लेते कहीं ना कहीं ये आपकी अच्छी खासी कसरत करवा देती है। तो इस तरीके की अलार्म क्लॉक यकीनन आपकी नींद खोलने में मददगार साबित होगी, जो कि बच्चों को भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। नंबर 7, एनिमारो सॉलिस्टिक काइनेटिक क्लॉक। दोस्तों अगर आप अपने घर में एक ऐसी क्लॉक लगाना चाहते हैं जो कि यकीनन काफी ज्यादा यूनिक और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, तो ये घड़ी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों ये एक तरीके की ऐसी घड़ी होती है जिसमें सिंगल सुई होती है, यानी कि ना तो इसमें सेकेंड वाली सुई होती है और ना ही मिनट वाली, बस इसमें सिंगल सुई होती है जो कि सिर्फ घंटे वाली रहती है। और इसका स्ट्रक्चर एक फ्लावर की तरह होता है, लेकिन इसमें छोटी छोटी स्टिक्स लगी रहेंगी जो कि आपस में जुड़ी रहती है, और जब ये घंटे वाली सुई मूव करती है तो ये स्टिक्स बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ये फ्लावर का खिलना शुरू हो जाएगा इसमें, और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे ये फ्लावर सिकुड़ने लगता है। यानी कि काफी ज्यादा मजेदार और ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है आपकी घड़ी के साथ। इस तरीके की घड़ी ऑफिस और घरों दोनों ही जगह काफी जगह पसंद की जाने वाली है, क्योंकि इसका लुक एंड डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक होता है और जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता घरों के अंदर। तो अगर आप भी एक यूनिक वॉल क्लॉक चाहते हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इसे आप अपने घरों में। नंबर 6, लाइफ। दोस्तों घरों में डेकोरेशन के लिए बहुत सारे लोग फ्लावर पॉट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिक चीज आपको वहां पर देखने को नहीं मिलती है। बस ज्यादा से ज्यादा डिजाइन और साइज में ही आपको खेल देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप अपने घर में डेकोरेशन के लिए एक ऐसा यूनिक फ्लावर पॉट चाहते हैं जो कि आपने इससे पहले कभी ना देखा हो, तो ये गैजेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा लेविटेटिंग फ्लावर पॉट होता है जिसके नीचे की तरफ मैग्नेट लगा होता है, और साथ ही इसमें आपको एक लकड़ी का पैड मिल जाता है जिसमें भी मैग्नेट लगा होगा। ये दोनों ही आपस में मैग्नेट के सहारे एक दूसरे से अटैच रहते
जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात रहती है। यानी ये फ्लावर पॉट उस लकड़ी के पैक के ऊपर तो रहेगा, लेकिन उसे टच बिल्कुल भी नहीं करेगा। साथ ही इसमें नीचे की तरफ एक मोटर लगी होती है जो कि हल्के हल्का रोटेट करती है, जिसकी मदद से ये फ्लावर पॉट भी हल्का हल्का रोटेट करता है। यानी कि फ्लावर पॉट आपको एकदम हवा में दिखाई देगा और जिस पर वो तैर रहा होगा। तो जब लोग इसे देखेंगे तो यकीनन इसे किसी जादू से कम नहीं समझेंगे, क्योंकि दिखने में तो ये एकदम जादू जैसा लगता भी है। तो अगर आपको भी पसंद आया हो ये गैजेट तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है। नंबर 5, टच सेंसिटिव मॉड्यूलर लाइटिंग। दोस्तों घरों के डेकोरेशन में काफी सारे लोग लाइटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि देखने में वाकई अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप ऐसे लाइटिंग पैनल्स चाहते हैं जो कि थोड़े से एट्रैक्टिव और एकदम नए अंदाज में आए, तो ये लाइटिंग पैनल आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। दोस्तों इन लाइटिंग पैनल की खास बात ये होती है कि ये एक तरीके के टच सेंसिटिव पैनल होते हैं। जैसे ही आप इसे हल्का सा टैप करते हैं तो फौरन ये जलना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही आप टैप करते हैं तो ये ऑफ भी हो जाते हैं। इनका शेप हेक्सागन में होता है और साथ ही इनमें मैग्नेट लगा होता है, जिससे कि आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये सबके सब एक साथ जलते हैं जैसे आप इन्हें जलाना चाहें। तो इनके शेप साइज और डिजाइन को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे, यानी कि जैसी आपकी पसंद होगी ये ठीक वैसे ही शेप में आपके लिए तैयार हो जाएंगे। तो कमाल की रहती है इस तरीके की लाइटिंग, जो कि आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखी है। नंबर 4, रोम्बा आई रोबोट वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों अगर आप भी बहुत ज्यादा बिजी रहते हो और आपके पास अपने रूम की साफ सफाई का टाइम ना हो, तो इस गैजेट की मदद से आप अपने काम को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा रोबोट होता है जिसमें वैक्यूम क्लीनर्स लगे होते हैं, यानी कि नीचे की तरफ वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको कुछ ब्रशेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि रोटेट करते रहते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही जाके डीपली सफाई करते हैं। अगर हम बात इसके साइज की करते हैं तो ये एक ऐसे साइज का बना होता है जिससे कि ये कॉर्नर पर भी अच्छे से सफाई कर सकता है। साथ ही दोस्तों इसमें सिस्टमेटिक क्लीनिंग के लिए एल्गोरिथम दे रखे होते हैं, जिससे कि आपके रूम को एकदम सिस्टमेटिक वे में साफ करता है, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई कमी न रह जाए। वहीं दोस्तों इसमें एडवांस सेंसर्स लगे होते हैं जो कि इसे कहीं भी टकराने से बचाते हैं, यानी कि अगर कोई भी घर में सामान रखा है तो ये उससे भी नहीं टकराएगा। इसकी चार्जिंग खत्म होने के बाद ये फौरन अपने जो है डॉक पर जाता है, जहां पर जाकर ये वहां पर चार्जिंग लेगा और साथ ही अपने वैक्यूम क्लीनर वाले बैग को भी क्लीन कर देता है, जिससे कि कहीं ना कहीं अगली सफाई के लिए एक बार फिर से रेडी हो सके। तो कमाल के ऑटोमेटिक फंक्शन यहां पर आपको दे रखे होते हैं, जो कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3, डायसन प्योर हॉट प्लस कूल। दोस्तों आजकल बड़े बड़े शहरों में एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे बचने के लिए लोग अपने घरों में एयर प्यूरिफायर्स को इंस्टॉल करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा एयर प्यूरिफायर चाहते हैं जो कि आपके रूम के टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सके, तो ये गैजेट कुछ इसी तरीके का होता है। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा एयर प्यूरिफायर होता है जो कि आपके रूम के टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकता है, यानी कि इसमें हॉट एयर और कोल्ड एयर दोनों के ही फंक्शंस होते हैं, जिससे कि आप हवा के टेम्परेचर को अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे। वहीं दोस्तों इसमें एयर फ्लो को सेट करने के भी ऑप्शंस दे रखे होते हैं। अगर आप डायरेक्ट फ्लो नहीं चाहते हैं तो आप इसमें डिफ्यूज मोड को इस्तेमाल करके कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हवा की ठंडक तो आपको फील होगी लेकिन हवा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके की कमाल की टेक्नोलॉजी आपको इस एयर प्यूरिफायर में देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहता है। साथ ही इसमें एक छोटी सी डिस्प्ले दे रखी होती है, जो कि रियल टाइम में एयर पॉल्यूशन को भी शो करती है, यानी कि आपके आसपास की एयर कैसी है ये सब कुछ आप देख सकते हैं इस छोटी सी डिस्प्ले पर। तो अगर आप चाहते हैं एक एडवांस एयर प्यूरिफायर परचेज करना, तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। नंबर 2, विदिंग स्लीप एनालाइजर। दोस्तों अगर आप अपनी स्लीप क्वालिटी को मॉनिटर करना चाहते हैं तो ये गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा सेंसर होता है जो कि खास तौर पर मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि आप अपनी स्लीप क्वालिटी को एनालिसिस कर सकते हैं। इस छोटे से पैड को आपको अपने बेड पर लगाना होगा, जिसके बाद ये सारे डेटा आपको आपके मोबाइल फोन पर सेंड करता रहेगा। इसमें हार्ट रेट के लिए सेंसर्स लगे होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपकी हार्ट बीट को नापा करते हैं, जो कि पूरा डेटा आपके मोबाइल फोन ऐप पर सेंड करते रहेंगे। साथ ही इसमें ब्रेथ एनालाइजर भी लगा होता है, जो कि आपके सांस लेने के पैटर्न को भी ऑब्जर्व करता है, जिसका डेटा भी आप इसके ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसका मूवमेंट सेंसर आपके मूवमेंट्स पर नजर रखता है, जिससे कि अगर आप करवट बदलते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं रात के समय अपने बेड पर, तो फौरन कहीं ना कहीं ये उसका डेटा एनालाइज करके आपको एक स्लीप क्वालिटी पैटर्न दिखाएगा कि आप रात में कितना उलझन करते हैं, किस हिसाब से सोते हैं या कितनी देर तक सोते हैं। ये सारी चीजें आपको इसके मोबाइल फोन ऐप पर देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत से लोगों को रात में सोने में दिक्कत होती है, तो इस गैजेट की मदद से आसानी से वो ये ट्रैक कर सकते हैं कि उन्हें कितनी देर चैन की नींद सोई है। नंबर 1, फिंगर बॉट। दोस्तों आजकल स्मार्ट डिवाइसेस का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिनसे कि आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं उन डिवाइसेस को कहीं से भी, यानी कि बस एक कमांड देते ही वो फौरन ऑफ ऑन हो जाती हैं और कंट्रोल कर सकते हैं आप उन्हें अपनी वॉइस से भी। तो अगर आप ऐसा ही कुछ चाहते हैं तो आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि ऐसी डिवाइसेस काफी ज्यादा कॉस्टली होती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं फिर भी उन्हें कंट्रोल करना कुछ ऐसे तरीके से जिससे कि आसानी से वो कंट्रोल भी हो जाए और आपकी जेब भी ढीली ना हो, तो ये गैजेट आपके लिए बेहद कमाल का रहेगा। दोस्तों ये एक ऐसा छोटा सा रोबोट होता है जिसमें एक छोटा सा रोबोटिक हैंड लगा रहेगा, जिसे
जिसे कि आपको अपनी मशीन के स्विच पर लगा देना होता है। यानी कि अगर आप लाइट को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो बस इसे अपनी लाइट के स्विच बोर्ड पर लगा दीजिए, जिसके बाद आप इसके ऐप से या फिर अपने स्मार्ट होम असिस्टेंट की मदद से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा मजेदार और यूजफुल रहता है इस तरीके का गैजेट, जो कि आपके घर को स्मार्ट होम बनाने में आपके लिए मददगार साबित होगा। तो अगर आपको ये गैजेट पसंद आया हो तो फटाफट इसे एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। और इस लिस्ट का सबसे मजेदार गैजेट कौन सा रहा है, फटाफट मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपका पसंदीदा गैजेट इस वीडियो में कौन सा रहा है। वहीं अगर आप वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं या फिर उन्हें खरीदना चाहते हैं, तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर सही कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।